याद होगा पिछले टॉपिक में हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव, और इस पर कई प्रश्न भी हम सॉल्व करा चुके हैं। तो अब हम लोग इसी प्रकार के एक दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि दिए गए चित्र में बिंदु ए पर परिणामी विद्युत विभव का मान बताएं। तो भाई आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 मीटर है और इसके दो शीर्ष पर क्रमशः 5 कूलाम तथा 6 कूलाम के दो बिंदु आवेश स्थित हैं और आपको तीसरे शीर्ष ए पर निकालना है परिणामी विद्युत विभव। हमने कहा कि यू कैन सी इन द गिवन डायग्राम दैट टू चार्ज पार्टिकल हैविंग मैग्नीट्यूड 5 कूलाम एंड 6 कूलाम आर प्लेस्ड एट टू कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट थर्ड कॉर्नर ए। तो भाई आपको बिंदु ए पर परिणामी विद्युत विभव का मान निकालना है। तो आपको याद होगा हम पहले ही समझा चुके हैं कि जब भी कोई सिस्टम कई आवेशों से मिलकर बना होता है तो सारे आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत विभव का मान निकालते हैं, और सामान्य बीजगणितीय योगफल के नियम से जोड़ देंगे। भाई हम पढ़ा चुके हैं कि व्हेन एनी सिस्टम इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल देन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्ज पार्टिकल ऑन द गिवन पॉइंट and as we know that electric potential is a scalar quantity hence we add them by simple algebraic process। तो चलिए इतना तो पता चल चुका है कि दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विभव का मान निकालेंगे और सामान्य बीजगणितीय योगफल के नियम से जोड़ देंगे। तो कह सकते हैं कि 5 कूलाम आवेश के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न विद्युत विभव, और यदि आवेश को Q1, दूरी को R1 और इसके कारण उत्पन्न विद्युत विभव को V1 मान लिया जाए, तो सूत्र तो आपको पता है कि V1 = 1/4πε₀ into Q1/R1। अब कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न से, तो आप चित्र में देख सकते हैं आवेश का मान हो गया 5 कूलाम और बिंदु ए और उस आवेश के बीच की दूरी है 3 मीटर, यानी कह सकते हैं कि Q1 = 5 कूलाम एंड R1 = 3 मीटर। और यदि Q1 तथा R1 के मान को उस समीकरण में रख दिया जाए, यानी कह सकते हैं कि मान रखने पर, और जब मान रखेंगे तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि V1 = 9 × 10⁻⁹ × 5/3। तो भाई 3 से 9 3 टाइम्स में कटेगा, यानी नीचे लिखा जा सकता है कि V1 = 3 × 10⁻⁹ × 5, और यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो V1 = 15 × 10⁻⁹ वोल्ट। चलिए एक आवेश के कारण विद्युत विभव का मान हम लोग निकाल चुके हैं, और अब 6 कूलाम आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान निकालना है। तो कह सकते हैं कि 6 कूलाम आवेश के कारण बिंदु ए पर उत्पन्न विद्युत विभव, और यदि यहाँ पर आवेश को Q2, दूरी को R2 और इसके कारण उत्पन्न विद्युत विभव को V2 मान लिया जाए, तो नीचे लिख सकते हैं कि V2 = 1/4πε₀ × Q2/R2। और अब पुनः कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न से, भाई प्रश्न में आप देख सकते हैं आवेश का मान हो गया 6 कूलाम और आवेश और बिंदु ए के बीच की दूरी का मान है 3 मीटर, या नीचे लिख सकते हैं कि Q2 = 6 कूलाम एंड R2 = 3 मीटर। और अब यदि Q2 तथा R2 का मान इस समीकरण में रख दिया जाए, तो नीचे लिखा जा सकता है कि V2 = 9 × 10⁻⁹
इनटू 6 बाय 3, तो ये 3 से 9 पुनः 3 टाइम्स में कटेगा, तो नीचे लिख सकते हैं कि v2 इज इक्वल टू 3 इनटू 10 टू द पावर 9 इनटू 6, और यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो v2 इज इक्वल टू 18 इनटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट। चलिए अब दोनों ही आवेशों के कारण बिंदु A पर अलग-अलग विद्युत विभव का मान निकाल चुके हैं, और अब आप जानते हैं कि सामान्य बीजगणितीय योगफल के नियम से जोड़ देंगे। तो भाई हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव लिखा जा सकता है कि परिणामी विद्युत विभव भी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। तो पुनः कह सकते हैं कि v1 का मान भी मालूम और v2 का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो लिखा जा सकता है कि v1 तथा v2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यदि रख दिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि परिणामी विद्युत विभव भी इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू दी पावर 9 प्लस 18 इंटू 10 टू दी पावर 9, और यदि इनको जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परिणामी विद्युत विभव भी इज इक्वल टू 33 इंटू 10 टू दी पावर 9 वोल्ट। यानी हम लोगों ने देखा कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड इन द क्वेश्चन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 33 इंटू 10 टू दी पावर 9 वोल्ट। तो ये था इस पर आधारित एक और प्रश्न, और आप लोग से फिर एक बार हम कहेंगे कि भाई लॉकडाउन लग चुका है, तो ऐसे में आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आपके संपर्क में जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हों, मित्र हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, तो सबको इसको शेयर कीजिए ताकि सब लोग लॉकडाउन में इस पढ़ाई का फायदा उठा सके। थैंक्स।